गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बीते दो दिनों में 1100 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब कोरोना की जांच प्रतिदिन 7000 तक बढ़ा दी है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लगातार एक डर सता रहा है कि कहीं गुरुग्राम में फिर से लॉकडाउन की स्थिति तो नहीं बन जाएगी। जैसे दिवाली के बाद आपने देखा था तो होली फेस्टिवल सीजन के आसपास हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाले दिनों में केसेस में इजाफा होगा, और अभी 600 के आसपास केसेस लगातार चल रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ केसेस में और बढ़ोतरी हो। लेकिन इसके प्रिपेक्स में मैं यही कह सकता हूँ कि अभी हमने सैम्पलिंग जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। 7000 के आसपास हम सैम्पलिंग का टारगेट हमने रखा हुआ है, 6000 हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। संभवतः सैम्पलिंग और बढ़ानी पड़ेगी और एंटीजन कैंप्स लगाने पड़ेंगे, ताकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनानी पड़ेंगी, ताकि जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव हुए हैं उनके इमीजिएटली कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जा सके और उनको टेस्ट किया जा सके। इसे लेकर सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि कोरोना को लेकर लगातार सख्ती बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी स्थिति लॉकडाउन से दूर है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में 35 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, इन कंटेनमेंट जोन में सख्ती बढ़ती जाएगी और कोताही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।